वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल कुकिंग विद गुन्नू मॉम में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक चीज़ कॉर्न सैंडविच। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पौष्टिक है, क्योंकि इसमें पालक है, कॉर्न है, तो ये आप बच्चों को आराम से नाश्ते में बना के दे सकते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। तो जीरा जब तक थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, हमने अब इसमें डालना है बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज मैंने एक ही लिया है, आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा लेना चाहते हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। आप तेल की जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैंने डाल दिया इसमें प्याज, तो हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप छोटा छोटा बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, मेरे बच्चे खाते नहीं हैं तो इसलिए मुझे पेस्ट ही डालनी पड़ती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्न। अगर फ्रोजन कॉर्न है तो आप उसको एक बार वॉश करने के बाद तो इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, अगर आपके पास वैसे ही पड़े हैं तो उसको उबाल कर भी डाल सकते हैं। तो अभी इसमें डालूंगी मैं बारीक कटी हुई पालक। तो ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को पालक खिलाने का, क्योंकि कई बार बच्चे पालक की सब्जी या पालक का कोई भी बनी हुई चीज़ नहीं खाते, तो ये वाले सैंडविच अगर बना के देंगे तो बच्चे आराम से खा सकते हैं। तो पालक बीच में से थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेगी, तो जब तक पानी सूख ना जाए उसको अच्छी तरह से ऐसे ही पकाना है। तो देखिए पानी बिल्कुल सूख गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। तो अभी इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, तो आप इस पे के बीच में आमचूर पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधी कटोरी दूध। तो जैसे अभी हमारी पालक बीच में ना पकी हो या कॉर्न ना पके होंगे तो दूध से वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च डालनी है हमने। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ब्रेड के बेस पे लगाने के लिए मैंने ली है रेड टमाटो केचप, चिली सॉस और मेयोनी। इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसके बेस पे लगा देंगे इसको और ऊपर से डालेंगे जो हमने पालक कॉर्न का मिक्सचर बनाया है उसको रख देंगे। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हो, आपने भर के थोड़ा सा रखना है तो वो भी रख सकते हैं। तो मैंने मीडियम सा ही रखा है अभी। तो ऐसे हमने सारे ब्रेड पे रख लेने हैं। तो मैंने चार ब्रेड तैयार कर रही हूँ मैं। तो इसके ऊपर डालूंगी मैं चीज। तो हमने इसी तरह सभी ब्रेड के ऊपर इस तरह चीज रख देनी है। तो ऊपर मैं बेस के ऊपर भी मैंने वही वाली सॉस लगाई है, तो इससे हम एक ब्रेड से कवर कर देंगे। तो अब मैं टोस्टर में इसको टोस्ट करूंगी। आप चाहे तो तवे पर भी इसको कर सकते हैं, बिल्कुल ही मीडियम आंच पे, मीडियम गैस रख के उसके ऊपर ब्रेड को रख कर आप ऐसे भी ग्रिल कर सकते हैं।
तो जो इसमें लाइट जल चुकी है अगर वो बंद हो जाएगी तो हम समझ लेंगे हमारा सैंडविच रेडी है। तो हमारा अभी सैंडविच रेडी हो चुका है। ऊपर से देखिए कितना गोल्डन हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। तो हम ऐसे किसी चीज़ से उसको उठा लेंगे। अभी मैं दूसरा रेडी कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे बटर भी लगा सकते हैं, मैंने हल्का सा ऑयल लगाया था। तभी मेरे सारे अभी ब्रेड पीस रेडी है, तो इसको मैं सेंटर से ऐसे काटूंगी। तो देखिए अंदर से कितना चीज़ी और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो आप ऐसे बच्चों को सैंडविच बना के दे सकते हैं, उसमें पालक जो हेल्दी चीज़ें हैं वो डालें। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।